कर सफल हो पाया। तो आप सभी ने एक बार जिन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की है, मैं सबका व्यक्तिगत नाम तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन सबके लिए एक बार हम ताली बजाकर उनका अभिनंदन अवश्य कर दें, जिससे वो आगे भी ऐसे ही सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ नियमित रूप से। पूरे हिंदू समाज में गुस्सा है, क्योंकि हिंदू समाज के सुरक्षा कवच के रूप में बजरंग दल खड़ा है। बजरंग दल का कार्य, बजरंग दल का प्रारंभ भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन चला, उसमें से बजरंग दल का निर्माण हुआ है। राम जी के काम के लिए बजरंगी सेना खड़ी हुई है, और हम सबको जानकारी में है भगवान श्री राम के जन्म स्थान के मंदिर बन रहा है, और थोड़े समय में ही भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजित होंगे। इस सारे अभियान के अंदर, आंदोलन के अंदर बजरंग दल की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, हिंदू समाज में सुरक्षा की दृष्टि से, हिंदू समाज पर जब इतनी संकट आए, चुनौती आई, बजरंग दल हमेशा खड़ा रहा। 1995 में अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने चेतावनी दे दी थी, यात्रा नहीं होगी, यहाँ पर आएंगे तो कोई जिंदा लौटेगा नहीं। हिंदू समाज में एक भय व्याप्त हो गया था। उस समय बजरंग दल के युवाओं ने तय किया, हम जाएंगे। और 1995 में बाबा तूफानी अमरनाथ की यात्रा के अंदर गए, उसके कारण से समाज का मनोबल बढ़ा, और आज लाखों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। इसी प्रकार अपना जो पुंछ राजौरी का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर के पास, वहाँ के हिंदुओं का भी पलायन कराने का जम्मू कश्मीर के द्वारा चल रहा था, तो 2005 में वहाँ बूढ़ा अमरनाथ एक स्थान है, भगवान शंकर का स्थान, बजरंग दल ने यात्रा शुरू की, और 2005 से अनवरत चल रही है। उस कारण से हिंदू का पलायन वहाँ पर रुका, और एक तीर्थाटन के रूप में आज अनेक हजारों पर्यटक वहाँ पर जाने लगे हैं। बजरंग दल प्रतिवर्ष वे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करता है, इस साल भी जुलाई के लास्ट में, अगस्त में आ भी जा सकते हैं। तो ऐसे जब जब भी धर्म पर संकट आया, हमारे तीर्थ स्थानों पर संकट आया, बजरंग दल हमेशा खड़ा रहा है। गौ रक्षा के लिए बजरंग दल हमेशा खड़ा रहा है। आज भी अनेक कार्यकर्ताओं पर केस है, केवल गौ रक्षा के लिए। नव जिहाद की घटना होती है, बजरंग दल अपने जान जोखिम में डालकर और इस प्रकार की रक्षा करता है। तो ऐसे समाज के काम, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए करने वाला बजरंग दल, इस पर सरकार ही कोशिश कर रही है बेल लगे, किंतु हिंदू समाज बजरंग दल के साथ खड़ा है। और आज हजारों स्थानों पर पूरे देश भर के अंदर हनुमान शक्ति जागरण का कार्यक्रम हुआ है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या के अंदर युवा आए हैं। आज जयपुर के अंदर ही लगभग 35 स्थानों पर इसी प्रकार के हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले, पिछले साल उदयपुर में एक कन्या की हत्या हो गई, सिर तन से जुदा, और कोई इनके समर्थन में आएंगे उनके इसी प्रकार का हाल किया जाएगा। हिंदू समाज में एक भय व्याप्त था, उस समय बजरंग दल आगे खड़ा हुआ, और जॉइन बजरंग दल इस प्रकार की वेबसाइट भी बनाई, उसके कारण से हजार युवक जुड़ रहे हैं। हेल्पलाइन बजरंग दल ने जारी की, किसी पर भी कोई संकट आएगा बजरंग दल तैयार है। तो इस प्रकार के कार्य वर्तमान समय में भी बजरंग दल कर रहा है। जब किसी को खून की आवश्यकता है, रक्तदान के कार्यक्रम करता है। तो हम सब मिलकर और आने वाले समय के अंदर जो इस प्रकार के चुनौतियाँ देते हैं, बजरंग दल को बैन करने की कोशिश करते हैं, आने वाले समय के अंदर वे सब प्रतिबंधित हो जाने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा जब होगी तो सब चीज़ें ठीक होगी, दुष्टों का नाश होने वाला है। किंतु हम सबको मिलकर इस प्रकार का संकल्प लेकर प्रति सप्ताह। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।